विदिशा जिले के जनपद ग्यारसपुर में कोरोना वायरस बचाव के लिए एवं सावधानियों के संबंध में ग्यारसपुर के जनपद सभागार में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन अहिरवार ने बैठक रखी, जिसमें मुख्य रूप से SDM आरती यादव, CEO KK ओझा, तहसीलदार अजय शर्मा और गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए, जिसमें संक्रमण से बचाव के लिए उपाय बताए गए। यह कार्यक्रम में कलेक्टर पंकज जैन के निर्देशों पर आयोजित किया गया। साफ सफाई और हाथ को बार बार साबुन से धोना, मुंह पर कपड़ा बांध कर रखना, खांसने छींकने वालों के संपर्क में न आना जरूरी नहीं है। वह कोरोना वायरस ही हो लेकिन सावधानी ही बचाव है। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से अछूता नहीं है, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और मोबाइल रिंगटोन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला कलेक्टर के आदेश से ग्यारसपुर में विकासखंड स्तर की कोरोना वायरस से बचाव एवं उपाय की जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। टीवी से हमें कुछ कुछ पता चल रहा है, लेकिन पहला मेरा स्टेटमेंट ये है कि पहली चीज तो दिमाग में इसको डिजीज के रूप में मतलब पैनिक नहीं होना है, यानी परेशान नहीं होना है, पर ऑन द सेम टाइम आपको प्रिकॉशन रखना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवा में छोड़ दिया जैसे मास्क से जो इन्फेक्शन होने वाला वो हम लोग फिर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भेज दिया, जैसे ये सिंगल यूज वाला है, कहां लगाया हमें कल आपको छो करना चाहिए, कहीं भी फेंकने लगे ये कोई परेशानी हो आप डेली तो लगाइए, ये नॉट परचेस हमको 150 के साथ आपको जरूरत पड़ती है तो पेट्रोल की जगह पे उतना स्टॉक रखवा लेते हैं। ऐसा कुछ आप स्टॉकिंग तय कर लो, उतना मिनिमम रख लो, जो जो ये रहे कि अगर हमको लग रहा है, मेरे साथ को लग रहा है या डॉक्टर साहब को लग रहा है तो हम आपसे उसमें कह पाए और आप उसको भेज लो। सर सैनिटाइजर का जो अभी आपने बोला रेट का, सर सैनिटाइजर मार्केट में कम से कम अलग अलग तरह के वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप उसमें जो MRP पे जो भी आ रहा है डेटॉल का हो लाइफबॉय का हो वो आप MRP पे बेच लो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।